एक बार धर्मराज युधिष्ठिर अपने यहाँ पर यज्ञ करवा रहे थे। शुरू से ये प्रचलन है कि जब यज्ञ करवाते हैं तो ब्राह्मण आते हैं वहाँ पर, मुनि साधु आते हैं और उनको दान दक्षिणा देनी होती है। तो जब वो यज्ञ करवा रहे थे तो इतने में एक साधु आए वहाँ पर, वो युधिष्ठिर से मिले। युधिष्ठिर बोले, क्या चाहिए आपको? कह रहे जी मुझे एक हाथी दे दो, मुझे हाथी की आवश्यकता है। युधिष्ठिर कह रहे उनके लिए हाथी की कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने कहा, चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको हाथी दिया, आप एक कार्य कीजिएगा, सुबह सुबह आ जाइएगा और सुबह आकर ना ये हाथी ले जाना मेरे यहां से। तो साधु कह रहे, ठीक है जी मैं चलता हूं। साधु चले गए। अब यहां पर जब साधु वहां से चले गए, भीम खड़े हुए वहां पर, उनके भाई, उन्होंने अपना शंख बजा दिया, पांडुर शंख उनका, और शंख बजा दिया उन्होंने बहुत तेज, जिसे युद्धदात कहा जाता है। सारे लोग कह रहे भीम ऐसा क्या हुआ जो तूने शंख बजा दिया? ऐसा तो कोई हमने जीती नहीं है, कोई लड़ाइयां नहीं जीती है, कुछ नहीं किया, सब आराम से बैठे हैं, तू शंख बजा रहा है, ऐसा क्या है? तो उन्होंने बोला, कह रहे शंख मैं इसलिए बजा रहा हूं कि धर्मराज युधिष्ठिर जो है ना, इन्होंने कल की गारंटी ले ली है, क्योंकि ये तो झूठ बोलते नहीं है, और कल की इन्होंने गारंटी ले ली है। कह रहे क्या गारंटी ले ली है? कह रहे इन्होंने तीन बंदों की गारंटी ले ली है। एक तो अपनी ले ली है, अब ये कल तक मर नहीं सकते, दुनिया में कोई भी आदमी इनको मार नहीं सकता। कह रहे दूसरी इन्होंने हाथी की गारंटी ले ली है, जो ये कल दान करने वाले। कह रहे अब वो हाथी भी नहीं मरेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तीसरी उस साधु की ले ली है गारंटी की, वो साधु है ना, अब वो साधु भी नहीं मरेगा, क्योंकि इन्होंने बोल दिए कल तक के लिए ये तीनों आदमी जिंदा रहेंगे, अब इनके इनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। एकदम युधिष्ठिर के उसी समय समझ में आया कि यार ये तो मैंने गलती कर दी है बहुत जबरदस्त, क्योंकि कल तो कभी नहीं आता, कल किसी के लिए नहीं है, कल ना जाने क्या होगा, कल हम हो या नहीं हो। तो उन्होंने उसी समय बोला भीम को कि जाकर उस साधु को बुला, भैया मुझसे गलती हो गई है, बुला साधु को। साधु आए, उनको उसी समय कहा कि भैया अभी हाथी ले जाओ, कल का कुछ नहीं पता, कल के लिए कोई प्रॉमिस पक्का नहीं है, अभी लेकर जाएंगे आप हाथी। और उसी समय उन्होंने वो दान दिया। और इसका मतलब ये होता है कि कल कुछ नहीं है आपके पास, कल के लिए कोई भी काम को मत टालिएगा। सफल आदमी कल के ऊपर कोई भी काम को नहीं टालते हैं।